गुलगुला बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम गुड़ कद्दूकस किया हुआ, एक बाउल भर के रवा, एक बाउल खोबरा चीज, दो कप आटा और एक छह इलायची। अभी हम गुड़ को इस गंजे में डाल देंगे। गैस ऑन करेंगे। पानी डाल के इसे पिघलने के लिए रख देंगे। पानी हमने एक मग लिया है। इसे अब अच्छी तरह से खा लेंगे। अब हमारा गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रहने देंगे। अब गुड़ का पानी हमारा ठंडा हो गया है। अब हम यहाँ आटे में रवा डाल देंगे, खोबरा खीर डालेंगे, इलायची डालेंगे पीसी हुई, थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें कोई भी मेवा वगैरह डाल सकते हो। इसमें रवा डाले हैं इसलिए इसे मिक्स करके कुछ देर 5 मिनट रहने देंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसमें रवा है इसलिए हम इसको 5 मिनट के लिए रहने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हमारा ये मिक्सर अच्छे से खुल गया है। अब हम गैस चालू करके कढ़ाई रखेंगे। तेल गरम करने के लिए रख देंगे। अब तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम उसमें गुलगुले डालेंगे। इसे हम ऐसे पानी का हाथ लगाएंगे और फिर इस तरीके से उसको डाल देंगे। इस तरह पानी एक ही बार हाथ को लगाना है, डाल देते हैं। आप देख सकते हो गुलगुले बहुत अच्छी तरह से फूल रहे हैं और अच्छे ब्राउन हो रहे हैं। अब हमारा गुलगुला अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे।
नारियल इस तरह से छान लेंगे। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हो। इसी तरह से बाकी गुलगुले भी कर लेंगे। इसके बाद भी हम गुलगुला डालते हैं, उसके पहले हमें हाथ में पानी लगाना है, तो गुलगुला आसानी से गिर जाता है। हमारे गुलगुले बनके तैयार है। आप चाय के साथ नाश्ते में इसे खा सकते हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे एक बार बना के देखिए और हमें लाइक।